कदे मथा ना फकीरा नाल लायो। तो ये आप कमाली हैं जो कबीर साहब के शिष्य हैं और ये हैं पंडित सर्वानंद जी। तो आप सब ने शायद इस कथा को सुना भी होगा कि पंडित सर्वानंद जो है वो दक्षिण भारत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये करते क्या थे कि जब कभी भी किसी से शास्त्रार्थ करते थे तो उनके साथ वैसे 18 बैल जाते थे। वो बैल हैं ऐसे 18 बैल जाते थे और सब पे किताबें लगी थी। तो ये क्या करते थे कि शास्त्रार्थ तो करते ही साथ में प्रमाण भी देते थे। मैं जो कह रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे लिखा। तो जब कबीर साहब के बारे में उन्होंने सुना तो इनके मन में शास्त्रार्थ की इच्छा तो थी, लेकिन एक दिन ये अपने माँ के पास आते हैं और अपनी माँ से कहती कि अपनी सर्व जीत को सबको जीतने वाला। तो इनकी माँ जो है वो ब्रह्म ज्ञानी थी, वो समझ गई कि अभी कोई आके ये कहता है कि मैं सर्व जीत को, इसका मतलब उसमें अहंकार आ गया। तो कहती है अब बनारस जाइए और कबीर साहब से शास्त्रार्थ करिए। तो ये आते हैं इसी कुएँ पर, कमाली पानी भर रहे होते हैं, पानी पीते हैं और फिर कमाली से पूछते हैं कि कबीर साहब का घर कहाँ है। तो कमाली कहती कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिंधुली गए, पाँव न टिके पिपीली का तह पंडित लावे बैल। कहते हैं कि कबीर का जो घर है वो आध्यात्म की उस ऊंचाई पर है और वहाँ जाने की जो गली है वो बहुत सकरी है, उसमें जगह बहुत कम है और साथ में फिसलन भरी हुई है, वहाँ चीटी तो जा नहीं सकती। महाराज जी आप 18 बैलों के साथ कैसे जाएंगे? तो एक तरह से व्यंग था, लेकिन चूंकि ज्ञानी थे बात समझ तो आती है, लेकिन कहते हैं ज्ञान का अहंकार जो है वो जल्दी उतरता नहीं, और चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं लेकिन ज्ञान का अहंकार हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी नहीं मानते हैं, कबीर साहब के पास पहुँचते हैं। कबीर साहब देखते ही पहचान जाते हैं कि तो पंडित साहब कहते हैं आइए। ये कहते मैं आया हूँ लेकिन सिर्फ शास्त्रार्थ कर। तो बताइए बोले बताइए क्या सेवा कर। बोले बस आप शास्त्रार्थ करिए। तो बोले शास्त्रार्थ तो मैं करता नहीं क्योंकि मैं तो लिखा लिखी की बात ही नहीं करते। तो कहते हैं लिखा लिखी की है ना, देखा तो जो अनुभव है उसे शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है। तो बड़े नाराज़ होते हैं, कहते हैं मैंने माँ को लाख समझाया लेकिन मानी नहीं, उनसे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। ठीक है अगर आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो लिख कर कि आप हार गए। तो कबीर साहब कहते हैं आप ही लिख लीजिए। तो कागज़ निकालते हैं पेन से लिखते हैं कि कबीर हारे और पंडित सर्वानंद जी और अपनी किताबों के बीच रख करके वापस दक्षिण भारत जाते। तो दक्षिण भारत जाते तो बदल चुका होता है, उसमें लिखा होता है पंडित सर्वानंद हारे और कबीर जी। इनको विश्वास नहीं होता क्योंकि अपने ही हाथ से लिखा। फिर आते हैं, ऐसा विवरण है कि करीब 18 बार आते हैं और हर बार कुछ न कुछ चमत्कार होता है, कबीर साहब से थोड़ी बातें होती हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ और फिर यहीं रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद ये कबीर साहब के शिष्य बन जाते हैं और जब बीजक का जब अध्ययन करते हैं तो इनका नाम आता है पंडित सर्वानंद जी का। ऐसा माना जाता है कि जब हमें मानते हैं कि कबीर साहब की वाणियों का संग्रह किया गया तो निश्चित ही पंडित सर्वानंद ही रहे होंगे, जो कि ज्ञानी थे जो लिखते रहे होंगे। कबीर साहब के बाद दूसरे आचार्य परंपरा की शुरुआत करने वाले आप ही हो। तो कबीर साहब ने इनका नाम बदल कर रख दिया था सुरती गोपाल। संतों की भाषा में कहते हैं अपनी सुरती का भान हो जाना, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाना। इन्हें जब ज्ञान हो जाता है तो इनका नाम हो जाता है सुरती गोपाल। तो अभी जो 24वीं पीढ़ी यहाँ पे चल रही है वर्तमान में कबीर साहब के बाद, 24वीं पीढ़ी में दूसरे आचार्य कबीर साहब के बाद आप ही हैं सुरती गोपाल। जोगी जोगी हुंदे ने ना छेड़ी जोगिया नू, जोगी जोगी हुंदे ने ना छेड़ी।